जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव गीता के अध्याय 6 की कथा। भक्तों, अध्याय 5 तक की कथा का हम श्रवण कर चुके हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 6 की कथा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप कहते हैं कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती जी सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। फिर आपने पंचभूतादि ये चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा हो तो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की बुद्धि में नहीं आता और वह यत्न पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायासी संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ ये 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं, 14 भुवन यानी भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल, ये 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। स्थावर, जंगम, गंधर्व, प्रमथ और नाग जो दिखते हैं, वे सब मेरी विभूति हैं। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदरांचल पर गए। देवता हाथ जोड़कर मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित होकर के हमसे बोले, आप कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं था, वर्तमान भी मैं हूँ और अंत में भी मैं रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। मैं ही दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम हूँ। ऊपर की दिशा और नीचे की विदिशा मैं ही हूँ। सावित्री, गायत्री, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप और पंक्ति छंद में मैं ही हूँ, तथा मैं ही 3 वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकास से रहित हूँ। सब प्रकार शांत, दक्षिणाग्नि, गार्यपथ, आवनी, 3 अग्नि स्वरूप हूँ। गौ, गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य खटगुण, ऐश्वर्य संपन्न, तेज, स्वप्न और उसकी आदिवायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारतादि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्प सूत्र, उनका प्रवर्तक बोधयादि ऋषि, नारशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, ये सब मैं ही हूँ। गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, ये लोक, अविनाशी परलोक, क्षर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने वाला, इंद्रिय निग्रह, मनो निग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गूढ़ भी हूँ, निर्जन स्थान वासी भी मैं हूँ, जन्म रहित भी मैं हूँ। पुष्कर, पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर अविनाशी मैं ही हूँ। तेज, अंधकार, इंद्रिय इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्दादि विषय मैं ही हूँ। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, उमा, स्कंद, गणपति, इंद्र, अग्नि, यम, नेत्रति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, भू, भुव, स्वह, मह, जनह, तपह, सत्यम, ये 7 लोक, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, सब मैं हूँ। वर्तमान और भविष्य मैं हूँ। संपूर्ण विश्व, सर्व रूप भी मैं हूँ।
ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः मैं ही हूँ और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। भक्षण पान कृत अकृत तथा पर अपर मैं ही हूँ। सबका आश्रय मैं हूँ। मैं ही जगत का हित अक्षर सूक्ष्म दिव्य प्रजापति पवित्र सोम देवता अग्राह्य और सबका आदि मैं ही हूँ। मैं ही सबका उपसंहार करने वाला मैं ही पर्वत सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलय कालिक अग्नि सूर्यादि तेज इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूँ। जिसका शिर उत्तर को जिसके पाद दक्षिण को और जिसके अंतर अंतस्थ संज्ञक वर्ण मध्य में है ऐसा त्रिमासिक साक्षात ओंकार मैं हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर रज्ञजु और साम के मंत्र ऋत्विकों को देता हूँ। इस कारण मैं ही प्रणव स्वरूप हूँ। तात्पर्य यह कि सब मैं ही हूँ। जैसे घृत तैलादि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा हरि भगवान और दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं जानते, इसी कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास जन्म जरा मृत्यु से भरे संसार सागर में मैं भक्तों को तारता हूँ, इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज स्वेदज अंडज उद्यज इन चार प्रकार के देहों में मैं जीवन रूप से वास करता हूँ और इनके हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप होकर के वास करता हूँ, इससे मैं सूक्ष्म कहता हूँ। महाअंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान निरूपम तेज रूप प्रकट करता हूँ, इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। जिस कारण की मैं एक ही लोकों को उत्पन्न अरु संसार करके लोकांतर में पहुँचता हूँ, अरु ग्रहण करता हूँ, इस कारण से मुझे स्वतंत्र और एक ईश्वर कहते हैं। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही तीन गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में ले करके स्थित होता हूँ। मैं सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ, इस कारण सर्वदृष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ तथा सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूँ, इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ, इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान रूप योग का उपदेश करता हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति पालन और संहार करता हूँ, इसी कारण से मुझे महेश कहते हैं। महत्पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है, जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ, गर्भ से निकलने वाला और पीछे उत्पन्न होने वाला हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ, सब दिशाओं में मेरा मुख है, सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग और भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। केश के अग्रभाग की समान सूक्ष्म रूप हृदय में रहने वाला विश्वव्यापक स्वप्रकाश श्रेष्ठ आत्म स्वरूप मैं ही हूँ। मुझे जो चतुर पुरुष तत्व मस्यादि वाक्यों के ज्ञान से ऐसी उपाधि त्याग कर जीव और ब्रह्म को एकता से देखते हैं, अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। सीपी में जो रजत बुद्धि है ये भ्रम ही है, परंतु रजत के भ्रम का आधार शक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वरूप में भासने वाला जगत मिथ्या है,
परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप हूँ। मैं ही ये पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझ ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति प्राप्त होगी। प्राण का ही अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छिन्न कर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जहाँ वीणा की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं भी भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्म स्वरूप ज्ञान देने वाला है सुनकर मेरे नाम का जप करके मेरे ही ध्यान परायण हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं वह सब मेरी विभूति है। ये सब वस्तु मुझसे ही उत्पन्न हुई है और मुझ में ही प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म महान से महान भी मैं ही हूँ। विश्व रूप निर्लेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी भक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ देखता है। कान नहीं तो भी सब कुछ सुनता है। मैं सत असत सब विचारों को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप हूँ। मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझ में पाप और पुण्य नहीं है। मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देहेंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं। भूमि जल तेज वायु आकाश इनसे मैं लिप्त नहीं। इस प्रकार पंच कोशात्मक गुहा में निवास करने वाला निर्विकार संग्रहित सर्व साक्षी कार्य कारण भेद शून्य परमात्मा मैं हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं वे मेरे शुद्ध परमात्मा स्वरूप को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमान रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानते हैं वही संसार से मुक्त होते हैं, दूसरा नहीं। तो भक्तों, ये थी अध्याय 6 की कथा श्री शिव गीता से। नमो नारायण।